मुकेश्वरी रक्षा करे मूलाधार आदि कमल केशों में पार्वती देवी और कप में चूड़ा मणि स्थित होकर रक्षा करे रखे देश की ज्वाला मुखी रक्षा करे जिसका किसी वस्तु से विघ्न नहीं हो सकता वो अभेदा देवी समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे ब्रह्मी आप मेरे लिए की रक्षा करे छाया छत्रेश्वरी छाया के ब्रह्म वाली निरंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे आप मेरे गोत्र की रक्षा करें चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भाग्य पत्नी की रक्षा करें मेरे पति से पता मार की छोड़ करें रक्षा करें राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब वर्ष में आप रहने वाली विजय देवी संपूर्ण वर्ष मेरी रक्षा करें देवी जो स्थान पहुँच में नहीं कहा गया तो अति रक्षा से जब वो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है क्योंकि मुझे शामिल और पाप नाश नहीं हो यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी ना जाए कवच का पाप करके ही यात्रा करें कवच के द्वारा सब सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ से धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने के लिए विजय की प्राप्ति होती है ये वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करते हैं उस उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलनात्मक महानेश्वर का भागी होता है कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है जय जय हम अति दीन दुखी विपत्ति जाल घेरे है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे माँ जग जननी जय जय निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि की जय करुणा कर करुणा मई चरण शरण दी जय माँ जग जननी जय जय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौड़ं करुणावतारं संसारिशारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि बोलो शेरा वाली माता की जय सर्वमंगल किचन में आ चुकी हूँ तो सबसे पहले और मैंने चेंज भी कर लिया क्योंकि उस ड्रेस में मैं थोड़ी कंफर्टेबल नहीं थी नया है ना तो वो अजीब सी फील आती है तो अभी मैं कंफर्टेबल फील करी और मैंने चेंज कर लिया यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैंने भुजिया चढ़ाई हुई है आलू परवल की भुजिया जो सेंधा नमक में ही बनेगी और हल्का सा जीरा और सुबह मैंने बनाया था आलू जीरा और टमाटर की सब्जी सूखी सब्जी और आटे मैंने लगा के रख लिए एज विश सबको पराठे खाने होंगे तो पराठे बनाऊंगी वरना नॉर्मल रोटी बनाऊंगी तो सबसे पहले मैं प्रिपेयर करूंगी अपने लिए चाय ताकि मैं आगे का काम स्टार्ट कर सकूं तो भुजिया में डालने के लिए मुझे थोड़े से मसाले चाहिए होंगे जैसे हल्दी और लाल मिर्च पाउडर वगैरह तो ये मैं अलग रखती हूँ नॉर्मल जो डब्बे होते हैं वो वाली यूज़ नहीं करती ये मैंने स्पेशली नवरात्रि के लिए अलग से लाया था शॉप से
ताकि घर में पैकेट भी रखे रहते, मैं वो यूज़ नहीं करती क्योंकि पैकेट्स में अलग रहते और डब्बे में अलग रहते। फिर भी मैं इस डब्बे में सारे वैसे ही थोड़े थोड़े लेके आई थी, तो मैं वो वाले मसाले अभी इसमें डालूँगी। भुजिया में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला ताकि टेस्ट थोड़ा एनहेंस हो सके, क्योंकि ये जो सेंधा नमक का टेस्ट है ना फैमिली में बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही है। सो कम ऑन, धड़कनों में तेरे गीत है सुने। तो शाम की पूजा आरती करने के बाद मैंने अपनी शाम की चाय पी है। उसके बाद आज मैं एक यमी सा डिनर प्रिपेयर करने वाली हूँ जो पनीर आलू की सब्ज़ी है। इसके लिए मैंने 200 ग्राम्स पनीर लिए हैं और 2 बॉयल पोटैटो। फिर मैंने 3 टमाटर लिए हैं क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे तो टमाटर ही हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों को फ्राई कर लिए हैं, मैंने यहाँ पर डीप फ्राई किया है पनीर को और आलू को। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने हल्के तेल में जीरा, मिर्च और तेज़पत्ता लगा लिया है। इसको थोड़ा सा लाल होने के बाद इसमें मैं सारे खड़े मसाले और जो धनिया, हल्दी और मिर्च, बस मैं 3 मसालों का ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। ये तीनों डाल के आपको एकदम धीमी आंच पे मिनिमम 15 मिनट्स तक पकाना। फिर उसमें पनीर और मटर वगैरह सारे ऐड करके 10 मिनट फिर से उसे धीमी आँच पर पकाइए। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, देन यू कैन सी दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।